ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಿಎಫ್ಐನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕೀಬ್, मेरी बात में मैंगलोर में शहीद हुए दोनों भाई नौशीर और जलील को याद करते हुए मेरी बात को मैं शुरू करता हूं। भाइयों, हमारे देश में हमारे देश के लोगों की सिटीजनशिप को छीनने के लिए ये कानून हमारे देश के संविधान में एक रास्ता ऐसा निकालकर बनाने के लिए आरएसएस आगे बढ़ा। उस कानून को पार्लियामेंट में पास किए, राज्यसभा में पास किए, फौरन हमारे देश के प्रेसिडेंट भी साइन किए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी हमारे देश का कानून एक्ट बन गया। उस कानून को, उस गैर संविधानी कानून को रोकने के लिए हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के यूनिवर्सिटी के छात्र, बहुत सारे लोग अपनी आवाज बुलंद किए। उसके वजह से आज तक 28 लोग शहीद हो गए, 28 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, और 300 लोग घायल हो गए, 300 पीपल वुंडेड। उसमें चंद लोगों का आंख चला गया, चंद लोगों का हाथ चला गया। मैंगलोर में तकरीबन 7 लोगों के बॉडी में बुलेट वुंड्स है, दे आर वुंडेड ग्रीवियसली, लाइफ लॉन्ग उनके बॉडी में बुलेट के ऊंड रहेगा। क्या चीज के वजह से? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून हमारे देश में बना, उस कानून को नहीं मानेंगे, उस कानून को हमारे देश में लागू होने हम नहीं देंगे। इसके लिए आकर डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, एजिटेशन करने के वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ा इन लोगों को। भाइयों, आरएसएस इस देश को चलाता है, बीजेपी नहीं चलाता। आरएसएस का तारीख आप लोगों को मालूम है। लोगों को डरा डरा के ये देश को चलाने वाली एक संस्था है, एक संगठन है। ये आपको मालूम रहेगा, उनका हिस्ट्री आप पढ़कर देखो। उनके हिस्ट्री में तकरीबन 70 सालों में हर 10 साल में इस देश खतरनाक दंगे फसादात को देखा। कभी बंबई को जलाया गया, कभी गुजरात को जलाया गया, कभी भिवंडी को जलाया गया, कभी कोयम्बतूर को जलाया गया, कभी मैंगलोर को जलाया गया। ऐसे दंगे फसादात, डर खौफ की पॉलिटिक्स भाया। उसके बाद हमारे देश में तकरीबन 10 ईयर्स बॉम्ब ब्लास्ट चलने करते, 10 ईयर्स ऑफ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। वो बॉम्ब ब्लास्ट में मुसलमान डर डर के रहते थे, कम किधर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, किसको पकड़ेंगे। बाद में मालूम पड़ा ये पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ है। उसके बाद हम लोग देख सके, जैसा बीजेपी की सरकार बनी, ये देश में गाय के नाम पे, देश के मुसलमानों पे, दलितों पे लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल वेर लिंच्ड टू डेथ, टॉर्चर्ड एंड किल्ड। कितने इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए। उसके बाद अभी नया भय का एक पॉलिटिक्स शुरू हो गया। ये भय का नाम है, इस खौफ का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लोगों को डराना, डराकर अपनी पॉलिटिक्स करना, लोगों को डराना, डराकर पावर में बैठना, ये बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया, हमारे देश को हिंदू मुसलमान बनाकर, हमारे देश के लोगों को तोड़कर आज ऐसी हालात में लोग आकर खड़ गए। भाई, मेरा सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू माय फ्यूचर? व्हाट विल हैपन टू द फ्यूचर ऑफ माय किड्स? ऐसी एक हालात में हम आकर आज पहुंच गए। यह हमारी देश की कड़वी रियलिटी है, द बिटर फैक्ट ऑफ इंडिया। भाइयों, आज हम इस देश में खड़कर, इस देश के मुसलमान, हम पूछने की ऐसी हालात हो गई है। यू डिडंट गिव अस जॉब्स, हमें नौकरी नहीं दिए आप।
यू डिडंट गिव अस रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मुसलमानों को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्या है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? पॉलिटिक्स में मुसलमान तकरीबन जीरो, निल, कुछ भी नहीं। कहां है मुसलमान? आज छीनते 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 अंतिम मुसलमान के पास बच के रहा उसका सिटीजनशिप, उसका सिटीजनशिप। उसकी सिटीजनशिप को छीनने के लिए भी एक कानून, उसके लिए क्या बोले हम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोगों को, वंचित लोगों को देश में लाकर बचा बसाएंगे। द प्रोसिक्यूटेड पीपल बोलकर मीडिया में बीजेपी आरएसएस के लोग डिबेट करते हैं। प्रोसिक्यूटेड पीपल, हु इज द मोस्ट पार्टी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड? द रोहिंगा मुस्लिम्स, बर्मा में जो लोग हैं। यूनाइटेड नेशन कहता है सबसे प्रोसिक्यूटेड लोग रोहिंगा के मुसलमान है। नेक्स्ट प्रोसिक्यूटेड लोग श्रीलंका में जीने वाले तमिल समुदाय है, मगर उनको इंडिया में जगह नहीं देंगे। किसको जगह देंगे? किसको जगह देंगे? ये कानून के बारे में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये कानून सिटीजनशिप छीनने के लिए नहीं, सिटीजनशिप देने के लिए है। ये दरअसल झूठ है, ये इट इज फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय द बीजेपी मिशनरी। ये हकीकत में इस देश के मुसलमानों की, यहां के दलितों की, यहां के गरीब लोगों का सिटीजनशिप छीनने का कानून है। ये दे वॉन्ट टू प्लक अवे द सिटीजनशिप ऑफ द पुअर इंडियंस एंड दे वॉन्ट टू गिव इट टू रिच पीपल। एंड ये ड्रामा कर लेकर है आरएसएस, ये ड्रामा कर लेकर है बीजेपी के ये लोग कहते हैं कि हम किसी का सिटीजनशिप नहीं छीनेंगे। जब ऐसा जन समुदाय आकर रोड में खड़ गया, बीजेपी आरएसएस मशीनरी डर गया अभी क्या होने वाला है, उसके वजह से ये लोग अभी बोलते हैं कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका फला डॉक्यूमेंट दे दो, सिर्फ आपका ये डॉक्यूमेंट दे दो, सिर्फ आप वो डॉक्यूमेंट दे दो, आपको हम लोग छोड़ देंगे। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। ये आरएसएस के कैंप में, आरएसएस की मीटिंग में उधर क्वेश्चन आता है, भाई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से 4 करोड़ लोग जब इधर आ जाएंगे, उन 4 करोड़ लोगों को कहां जॉब्स है, उन 4 करोड़ लोगों को इधर घर किधर है, उन 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट किधर है? तो उधर एक आरएसएस का लीडर कहता है इधर के मुसलमानों को जो घर से हम बाहर निकाल रही, जिनका जॉब्स हमें छीन रही, उनको हम वो जॉब देने वाले हैं, उनको हम वो लोग ये जॉब देने वाले हैं। अभी ये टाइम आ गया है, दूसरी आजादी का आंदोलन शुरू हो गया। ये दूसरी आजादी के आंदोलन में, ये दूसरी आजादी के आंदोलन में पहला बुलेट खाएगी ये मुस्लिम समुदाय, मगर हमारे बच्चों को इस देश में गुलाम बनाकर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों को इस देश में ये बीजेपी आरएसएस के गुलाम बनाकर इस देश में उनके जुल्म सहने वाले बनकर नहीं जाएंगे। भाइयों, ये जो कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून बनाने के बाद ये लोग कहते हैं हम लोग एनपीआर बनाएंगे। एनपीआर क्या है? एनपीआर लोगों को डिवाइड करने का एक ड्रामा है। डिवाइड करके उन लोगों के पास से डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोलकर उनको जुल्म करने का एक ड्रामा है एनपीआर। वो एनपीआर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द रिच। कोई मालदार मुसलमान डॉक्यूमेंट नहीं देगा, कोई दलित अपना डॉक्यूमेंट नहीं देगा, कोई क्रिश्चियन अपना डॉक्यूमेंट नहीं देगा। देखेंगे मोदी और अमित शाह क्या करते हैं हमारे साथ, देखेंगे क्या है उनके पास, देखेंगे। वी रिजेक्ट योर एनपीआर, वी रिजेक्ट योर एनआरसी, वी रिजेक्ट योर सीएए, वी आर नॉट हियर टू अबाइड बाय व्हाटएवर यू से। हम आपके सामने सरेंडर होने वाले नहीं है। कल के दिन कोई पॉलिटिशियन आकर बोलेगा आप एनपीआर को साथ दो, हम बोलेंगे वो मुस्लिम कौम का गद्दार है वो। कल के दिन कोई पैसों के लिए बात करने वाला दिल्ली जामिया मस्जिद का इमाम आकर बोलेगा आप एनपीआर को डॉक्यूमेंट दो, हम बोलेंगे आप इमाम नहीं है, आप हमारे दुश्मन है। भाइयों, हम किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। और सिर्फ एक दो बात बोलकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूं।
जब यह कानून पास हुआ इट इज माई डेमोक्रेटिक राइट इट इज माई फंडामेंटल राइट दैट आई विल एजिटेट आई विल प्रोटेस्ट. जब मैं एजिटेट करने के लिए आता हूं मैंगलोर की पुलिस सेक्शन 144 डालती है और सेक्शन 144 डालकर कितनी हिम्मत उस पुलिस वाले को डॉक्टर हर्षा मैं पूछता हूं कौन सा डॉक्टर आर यू ए मेडिकल डॉक्टर आर यू ए मेडिकल डॉक्टर व्हाट डॉक्टर आर यू What doctor are you? You are a doctor in creating false fabricated stories. You are a doctor in making false videos. You are not a doctor in medicine. कोई medical doctor नहीं है. क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी हिम्मत? दो बच्चों का जान चला गया. बाद में झूठे videos police के तरफ से हर दिन एक video, हर दिन एक video. बंदर के police station को attack करने आए. एक दिन बोलता है gun house को attack करने आए. कौन है वो लोग? When their citizenship is being targeted, when their fundamental right is being targeted, they have all the right to agitate. Are you British or what? तू क्या British है क्या? Section 144 डालने के लिए? तू कौन है तू Section 144 डालने के लिए? Section 144 डालकर मैं बोलता हूँ इस police officers को, आप लोग ring बनकर criminals को बचाएंगे? पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग गोली मारे उस दिन घर घुस घुस के मारे दुकानों को मारे हम लोग रिंग बनकर उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे. हम उनको नहीं छोड़ेंगे. वी विल नॉट लीव देम. वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू पनिश दिस कल्प्रिट्स. ये कौन भी हो यही स्टेज में एक हर्षमंदर हर्षा आकर गया और ये मैंगलोर शहर में और एक जालिम हर्षा भी है. मैं उसको कहता हूं तुझे वो कुर्सी में बैठने की कोई औकात नहीं है. यू शुड रिजाइन इमीडिएटली. यू शुड रिजाइन इमीडिएटली. और भाइयों दो जान चला गया हमारा. दो जान चला गया. मैं पूछता हूं वही प्रोटेस्ट उस दिन बजरंग दल या बीजेपी करती क्या पुलिस लाठी चार्ज करती? वही प्रोटेस्ट उस दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी करता तो आकर उधर फायरिंग होता? क्या मुसलमान का जान उतना चीप है? हम उसको प्रूव करेंगे हमारा जान कितना कॉस्टली है. हम उसको प्रूव करेंगे हाउ वैल्यूबल वी आर. हाउ वैल्यूबल वी आर. हमें वी आर एस ए रिंग. इधर पूरे मुस्लिम संगठन अपने डिफरेंसेस को छोड़कर हम एक हो गए. अभी पूरे पॉलिटिकल लीडर्स अपने डिफरेंस को छोड़कर हम एक हो गए. अभी एक होकर हम लोग आपका एक 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 चीज निकालेंगे. वो पुलिस शरीफ हो वो हर्षा हो या और एक डीसीपी हो वो कौन भी हो यू विल हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. यू विल हैव टू कम टू द कोर्ट एज एनी अदर इज कमिंग. भाइयों ये सिटीजनशिप एक्ट से ये सोए हुए मुसलमानों को जगा दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह. अभी हमारा नया तारीख को हम लोग बनाएंगे. डरते डरते जो जिंदगी जिए वो जिंदगी खत्म हो गई है. मैं सिर्फ एक बात बोलकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूं. गीदड़ की हजारों सालों की जिंदगी से शेर की एक जिंदगी बेहतर है. ये शहीद मिल्लत, ये शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का ये कहावत है और हम लोग टिप्पू सुल्तान के बच्चे हैं. वो चूहे आरएसएस नहीं है, वो अंग्रेजों के बूटों को चाट लेकर थे. तो भाइयों ये जन समुदाय, ये जन समुदाय ये एक असाइनमेंट हम लोग लेकर जाएंगे के हम लोग वी रिजेक्ट एनपीआर, वी रिजेक्ट एनआरसी, वी रिजेक्ट एंटी पीपुल पॉलिसीज. कोई भी कानून आओ हम उसको साथ नहीं देंगे. मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए इन शहीदों को फिर से याद करते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं. जय हिंद. धन्यवाद. पीएफआई राज्य अध्यक्ष मोहम्मद साकिब रवरिगे गौरव.